नमस्कार मनोहर भाई, आपका अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में स्वागत है। बहुत मुद्दत से ये प्लान था, तो बचपन से आपकी पहली याद आज क्या होगी अहिंसा के बारे में? बचपन से तो मुझे कुछ याद नहीं, और नाइन्थ क्लास से मेरा संपर्क कम्युनिस्ट पार्टी से। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का रूस और चीन में जो जलवा था, और कांग्रेस कुछ बहुत आशास्पद दिशा में जा नहीं रही थी। ये कौन से सन की बात होगी? ये बात में बावन तिरपन की कर रहा जी। मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता था उस समय, और कम्युनिस्ट पार्टी ही मसीहा लगती थी किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की। मेरे एक क्लासमेट थे जो कि ऊंची क्लास के थे, लेकिन मैं नाइन्थ का था उनके साथ, और वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। उनका असर मुझ पर बहुत पड़ा, और मैंने नाइन्थ क्लास में ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा। और जैसा मैंने कहा कि उस समय लगता था कि दुनिया में जो है साम्यवाद ही होगा, किसान मजदूरों का हितैषी और कोई नहीं है जो है इसके वाइस पार्टी। लेकिन ये बचपन में ये बात तो पहले की मैं कह रहा हूँ, मैं बीए फाइनल ईयर में था बनारस यूनिवर्सिटी में, भिनवा जी का भूदान 51 में शुरू हुआ, और हमारी पत्रिका निकलती थी क्रॉसरोड और जनयुग, दो पत्रिकाएं अंग्रेजी हिंदी। तो उसमें जहाँ से जहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का एक अच्छा गढ़ था, ये पोचमपल्ली जगह है, आंध्र में तो पड़ती थी। हाँ जी, पोचमपल्ली गांव जी तेलंगाना का, वहाँ या तो बड़े जमींदार थे या भूमिहीन थे, क्षमता काफ़ी थी। तो वहाँ कुछ इस तरह का चल रहा था, इसलिए हमारी पार्टी का जो ऑर्गन था उसमें उसकी जानकारी आती थी, बहुत खराब ढंग से आती थी। एक संत है हमारी क्रांति को रोक रहा है, लेकिन मेरे मन में सवाल खड़ा हुआ कि मांगने से जमीन मिल रही है तो हमको मारने का शौक क्यों है? ये बात भी याद आ गई कि दुर्योधन के पास तो कृष्ण भगवान पांच गांव का प्रस्ताव लेकर गए थे पांडवों के लिए, और उसने कहा महाराज आप पांच गांव मांगने आए, हम तो सुई के अग्र भाग पर जितना आता है उतना भी जमीन नहीं है। उसी देश में ये भूदान हो रहा है, तो अहिंसा की दिशा से ही हो रहा है। जमीन का समस्या जो है, जमीन की प्रॉब्लम तो सब जगह है, बहुत गहरी, अपने देश में भी है, तो इसको देखना तो चाहिए। तो मुझे लगता ही था, ये तो देख ही रहा था कि किस तरह से जो है मांगने से जमीन मिल रही है। विनोबा जी आ गए अपनी यात्रा के दौरान बनारस, वहाँ रुक गए एक महीने, वो वर्षा ऋतु था। तो उसने तब आपकी क्या उम्र थी? आप समझो कि मेरी उम्र बिल्कुल 18-20 रही होगी, 21 रही होगी, थोड़ा लेट पढ़ाई हुई जो है। तो मैं वहाँ आ गया, मतलब सर्वोदय में बिहार इस पर ही छोड़ रहा हूँ। हमारे मन में ये भी ध्यान में आया, क्योंकि पढ़ता था तो लगा कि हिंसा से समस्या हल नहीं हो रही है। मेरा मानना है कि मानव इतिहास में स्वर्णिम उद्घोष था फ्रांस में, स्वतंत्रता समानता भाईचारा,
लेकिन चूंकि अहिंसा नहीं हिंसा का रास्ता अपनाया गया, तो हिंसा के रास्ते तो सुंदरा समानता भाईचारा तो नहीं मिला। उस समय तो हिंसा बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं थी आज की तरह। उस समय तो हिंसा में के लिए जो है बहुत ही भद्दे बहुत ही क्रूर रास्ते अख्तियार किए जाते थे। जो है इसका विस्तार नहीं करूंगा। रूस में बहुत अच्छे नारे लगाए गए थे स्वतंत्रता समानता, ये वो मजदूरों का राज होगा, किसानों का राज होगा, जनता का राज होगा। वहाँ भी हिंसक क्रांति हुई, तो वहाँ भी जो है तीनों का राज तो नहीं हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही का राज हुआ। तो ये चीन में वही हुआ। तो दिख रहा है कि हिंसा से समस्याओं का हल नहीं हुआ। महावीर भगवान ने अहिंसा की बात कही, बुद्ध भगवान ने अहिंसा की बात कही, उसके पहले शायद भारतीय दर्शन में भी बच्चे हमारे ऋषियों ने चर्चा की हो। गांधी जी ने अहिंसा से देश को आजाद कराया, इतना तो हुआ कि हथियार नहीं उठाया उन्होंने। और हिंसा हुई ठीक है, भगत सिंह वगैरह के मन में भी था रहा होगा जज्बा जो है देश के आजाद कराने का, नहीं विश्वास हुआ होगा हिंसा पर, अहिंसा पर। लेकिन कुल मिलाकर कहा तो यही जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड़े बिना दाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो अहिंसा से देश आजाद तो हुआ है। धीरे धीरे सर्वोदय में आने के बाद मुझे अहिंसा की बात आ गई। लेकिन दो एक बड़ा परेशान था मुझे किया। गांधी जी ने कहा कि ईश्वर में श्रद्धा गांधी जी की बहुत थी। कभी कभी गांधी जी को देखता था, कहीं पढ़ता था कि जो ईश्वर को नहीं समझेगा वो अहिंसा को भी नहीं समझेगा। और हमारे दिमाग में ईश्वर की कोई कल्पना नहीं आती है, आज तक भी नहीं आती। इतना ही आता है कि कोई एक सृष्टि का सृष्टा जरूर, लेकिन सृष्टा है तो हमें भी कुछ कर्तव्य है, मानव के नाते हमको मनुष्य बनाया, तो हम में से एक मनुष्यता प्रकट होनी चाहिए, उसको पूजने का, उसके लिए मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, घंटा हिलाना, पूजा पाठ, ये सब सारा कर्म कांड है। वास्तव में धर्म में दो चीजें होती है, एक होता है तत्व और एक होता है तंत्र। तंत्र जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बनता है, और तत्व तो जो होता है वो सब जगह समान ही होता है, देश काल से अलग होता है, शाश्वत। अब जैसे मैं मुसलमान मित्रों को देखता हूं कि राजस्थान वो आए थे रेगिस्तान से, अरब से, पानी का संकट था, तो एक बूंद पानी भी नुकसान न हो इसलिए वहां बधना रखते थे, रोटी रखती थी। क्या रख रही थी जी? बधना जिसको रखते हैं वो जैसे हम लोटा रखते हैं अच्छा वैसे वो बधना करते हैं, अच्छा इसमें टोटी लगी रहती, अच्छा एक गिलास पानी भी बर्बाद न हो। अच्छा अच्छा वो नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं, जी वजू माने पानी ऐसे गिरता है हाथ से, लेते हैं हाथ से फिर पीछे धक्की देते हैं, एक बूंद पानी भी बालू में नहीं। हमारे यहाँ लोटा रखते हैं क्योंकि नदियों की कमी नहीं है, नदियों में तमाम पानी है, गंगा जमुना सिंधु क्या क्या सब बहती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे ही जो है मुझे कभी कभी लगता है कि दाढ़ी भी इसलिए रखते थे कि रोज दाढ़ी बनाना तो पानी बड़ा संकट का समय था, इतने में पानी क्यों बर्बाद किया जाए। लुंगी पहनते आएंगे शायद उनको जो है गर्मी में कुछ आराम मिलता रहा हो।
तो बहुत सारी चीजें जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार जो बनता है वो तंत्र है, और जो हार्द है उसका धर्म का वो जो है वो तत्व है। उदाहरण के लिए जैसे कहें कि हम गंगा किनारे बैठे हैं, हमारे पढ़ता था मैं तो हाई स्कूल में, मेरे कुछ मित्र थे मुस्लिम, तो मैं कहता था यार अरब में पानी की कमी थी तो वजू करते थे, एक बूंद पानी भी न गिरे, अब गंगा किनारे मोहल्ला है तब भी जो है वजू ही करते रहोगे, क्यों दाढ़ी रखना, बहुत लोग नहीं भी रखते हैं। तो हम लोग तंत्रों में फंसे हैं, तत्व छूट गया है। यदि कानाई हो तो मुसलमान है, जिसका ईमान हुआ है मुसलमान, ईमान जो है कुरान का सार कहा जाता है, दया करता है। हिंदुओं में भी बहुत सारे तंत्र हमने भेद दिए हैं। यदि हमारा ज्ञान कहा जाए कि मूल है हमारा ज्ञान, गीता की किताब बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है, और गीता जो है ज्ञान की पुस्तक, गीता ज्ञान की पुस्तक है, कुरान ईमान की पुस्तक है, गीता का ज्ञान की प्रधानता है, उसमें कुरान में जो है वो ईमान की प्रधानता है, मुसल्लम है जिसका ईमान वो है। और जब संघर्ष आपस में होता है तो ज्ञान की किताब गीता जलाता है हिंदू मुसलमान, और मुसलमान की किताब कुरान जो है जो ईमान की किताब है वो हिंदू जलाता है। ज्ञान और ईमान ये धार्मिक किताब नहीं है, ये जो है ज्ञान और ईमान की किताब है। ज्ञान और ईमान दोनों को चाहिए, मनुष्य मात्र को चाहिए, ये हिंदू मुसलमान की किताब नहीं। ऐसे ही हर धर्मों की हालत है, सब धर्मों में नहीं जाता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सर्वोदय में आने पर जो है जानकारी होती रही, और गांधी जी ने एक जगह जब कह दिया कि सत्य ही ईश्वर है, तब मुझे बड़ा सुकून मिला। एक शब्द गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, तो मैंने कहा सत्य वाली तो। पर ये सत्य से आपको क्या मतलब, सत्य को आपने कैसे समझा, सत्य माने क्या? नहीं, सत्य माने मैं ये माना कि किसी को धोखाधड़ी नहीं देना, जो है उसी को कहना, जो है जो अस्ति सच बोलना है, जो वास्तविकता है। हम लोग जो है उसके बजाय भी बहुत सारी बातें करते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कोई एक शक्ति है उसने बनाया है सृष्टि को, तो बड़ा काम किया है, सृष्टि जरूर किसी ने बनाई होगी, क्योंकि मनुष्य नहीं बना सकता। जो मनुष्य नहीं बना सकता उसको बनाने वाली तो अलौकिक शक्ति ही होगी। तो इसलिए मैंने माना कि वो है अस्ति, वो जो है वो सत्य, तो सत्य की समझ तो इस तरह से। और फिर आपने इतने सारे मानवीय गुणों से लैस होना जीवन का लक्ष्य बने, यही सत्य। तो ये जो इतना लंबा है आपका, मैं आई थिंक 60 साल का आपकी यात्रा है सर्वोदय कार्यकर्ता के रूप में, तो ये जो सत्य की खोज और अहिंसा का रास्ता है वो, उसके कुछ अनुभव बताइए कि आपको, आपने इसको अनुभव में कैसे देखा? आप एक कार्यकर्ता के रूप में अहिंसा के क्या क्या प्रयोग आपने किए? ऐसा है कि प्रयोग तो जो हमारे 3 आराध्य थे, गांधी, विनोबा और जयप्रकाश, इन लोगों का जो करना है, जो हुआ इन लोगों ने जो किया, उसमें जो है मेरा भी जो है कुछ है। इसे कहते हैं कि वो गिलहरी जो है समुद्र के बनने में राम के मदद में आ गई और अपने बालू लपेट करके जो है जानने लगी उस पर, सेतु पर,
इतना मेरा भी योगदान होगा, क्योंकि जी सारी जिंदगी तो उसी में बीती जो है। जो आया सन 55 में, तो फिर तो किसी तरह झांका नहीं, जो है सारी जिंदगी यही बीत गई जो है देश में इन्हीं तीन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके। जी। और अब तो मेरे जीवन का संध्या काल है। जी। बड़ा आनंद है मुझे जो है कि जीवन कुछ हद तक सार्थक बीता, कारण नहीं तो शायद नहीं भी। आज के सारे घटक्रम में जो लगे हुए हैं, नेता लोग लगे हुए हैं, पूंजीपति लोग लगे हुए हैं, शायद कहीं मेरी भी जगह ऐसी ही होती, या फिर कम्युनिस्ट कम्युनिज्म का जोर रह जाता तो कम्युनिज्म का ज्वार के चलते जो है कहीं नक्सलाइट बना हुआ होता है, यही स्थिति। तो उस सबसे पछड़े से पलट गया। जीवन को बहुत धन्य मानता हूँ, जीवन के संध्या काल में बहुत आनंद आता है कि हमारा जीवन सार्थक बीता। क्या बाबू हम लोग जा रहे हैं, ये आज हमारी बात पटना में हो रही है, जहाँ पे गांधी मैदान में आप मौजूद थे जिस दिन जेपी ने वो मशहूर और क्या कहें प्रेरित करने वाला नारा दिया, हमला चाहे जैसा होगा। तो जरा वो पूरा प्रसंग, वो पूरी कहानी बताइएगा। ऐसा है कि भारत जैसे आज थोड़ी परिस्थिति है उसी तरह की, भारत की सरकार का, केंद्रीय सरकार का रुख जो है कुछ डिक्टेटोरियल ट्रेंड की दिशा में बढ़ रहा था 71 वर्ष में ही, और चिमन भाई की सरकार के खिलाफ वहाँ की यूनिवर्सिटी के लड़कों ने गुजरात में जो है वो छोड़ा और उनकी सरकार गिर गई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। हाँ, और वही हुआ था, जो तेल के बड़े पूंजीपति थे वहाँ तो तेल का व्यापार था, तेल के व्यापारियों से पैसा लिया होगा चुनाव फंड, किसानों के साथ धोखा हुआ होगा, किसानों को सस्ता आयल सीड बेचा होगा जो है, तो किसानों का सामान सस्ता कर दिया, पूंजीपतियों का पैसा आ जाएगा उसमें जो है, जो दिया है उससे अधिक आ जाएगा। ये सारी सौदेबाजी के खिलाफ जो है वहाँ के लड़कों ने आंदोलन शुरू किया और जयप्रकाश जी को बुलाया, और उसी अहिंसक आंदोलन में से ही एक तरह से रहा वो, और शांतिमय आंदोलन से जो है उनका चिमन भाई की सरकार गिर गई। तो जयप्रकाश जी के कुछ अंदाज लगने लग गया। जयप्रकाश जी उसी दौर में सहरसा में एक कुमार प्रशांत वगैरह कुछ काम कर रहे थे इस ग्राम स्वराज की दिशा में। विनोबा जी ने एक बार कहा था कि सहरसा छोटा जिला है, देश के सर्वोदय के प्रमुख लोग जो है वहाँ आए और आकर के जो है वहाँ ग्राम स्वराज का प्रयोग करें, वहाँ ग्राम स्वराज का दर्शन। तो शायद ये 91 के आसपास सर नहीं याद है, कारण शायद भूलता है। तो ये लोग रह गए थे, बाकी लोगों को बुनियाद जी ने बुला लिया था, 3-4 साल में कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ विनोबा जयप्रकाश जी ने को बुला दिया था, तो सभा में जयप्रकाश जी ने कहा, आम सभा में, ये कहाँ थी, ये बात है सहरसा, कहाँ जी, सहरसा जिला। अच्छा, वहाँ विनोबा जी ने ग्राम स्वराज के प्रयोग के लिए एक किया था, देश के सर्वोदय के लोगों पर वहाँ कि आप लोग इसमें काम करके दिखाइए कि संभावना क्या है ग्राम। तो इसमें ये लोग रह गए थे कुमार प्रशांत वगैरह जो है, इन लोगों ने एक सभा की और आम सभा और जयप्रकाश जी को बोला। जयप्रकाश जी ने कहा सभा कि मैं क्षितिज पर मैं सन 42 देख रहा हूँ, क्षितिज पर सन 42 देख रहा हूँ, इसका मतलब जैसे आज की परिस्थिति है शायद इतनी खराब नहीं रही होगी, लेकिन जो कल्पना उन लोगों के मन में थी उससे खराब तो थी। और उन्होंने इससे पहले एक कॉल दिया था देश में, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, यूथ फॉर डेमोक्रेसी,
यूथ पावर डेमोक्रेसी से कुछ है युवा आकर्षित होकर आए भी थे। युवकों का सोच अपने स्कूली समस्याओं से पूरा समाज की दिशा में भी बढ़ा इस दौर में, जैसे गुजरात से शुरू हुआ तो यहाँ भी 17-18 मांगे छात्र यूनियन ने, पटना छात्र यूनिवर्सिटी के यूनियन ने लालू यादव से अध्यक्ष, यहाँ से भी मांगे शुरू हुई, कुल मांगे 17-18 मांगों की था जो है लिस्ट, लेकिन उसमें कुशिक्षा, तिथि, भ्रष्टाचार, विषमता, ऐसे ही 3-4 मांगे मंगाई जो आज की परिस्थिति है, लगभग यही सब जो है। तो 18 मार्च को जब इन्होंने अपने आंदोलन के दौर में यह तय किया कि इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला उचित जो है, ये नहीं हो रहा है जो हमारी मांगे हैं वही मांगी जा रही है, तो हम राज्यपाल को घेराव नहीं देंगे, राज्यपाल का घेराव करेंगे, इनको हम जो बजट से पहले दोनों सदनों की सामूहिक संबोधित करते हैं राज्यपाल या वहाँ ये बिहार असेंबली में, ये बिहार गवर्नमेंट जो है। उस दिन 18 मार्च को कुछ गोलीबारी की और 18 मार्च की उस गोलीबारी में कुछ छर्रे वर्रे लगे लड़कों को, फिर वो लगा दिया गया 144 वगैरह जैसे होता है, और उससे पहले उन लोगों ने प्रदेश में घूम करके एक वातावरण बनाया था, तो हर जिले में भी यही सब चल रहा था जो है। वो लोग 18 तारीख को ये सब चला, युवक लोग जो है जो नेता लोग थे छात्र यूनियन के, लालू नीतीश इस तरह के लोग थे, ये सब लोग गए जयप्रकाश जी के, क्योंकि जयप्रकाश जी की इतनी बातें पहले मैं बता चुका हूँ, 2-3 बातें, यूथ पावर डेमोक्रेसी, गुजरात गए, सहरसा से जो है वो उन्होंने कहा कि मैं क्षितिज पर्सन बयालीस देख रहा हूँ, इस सब पे काफी शायद जयप्रकाश जी के प्रति इन लोगों के मन में हुआ होगा कि इनको नेता बनाना चाहिए। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई हमारे पास क्यों आए हैं, पावती जी की मृत्यु हो गई थी, जयप्रकाश जी रोग से जब इस सब तरह की स्थिति थी, और उन्होंने कहा कि आप लोग पोलिटिकल पार्टीज के यूथ विंग के नेता लोग हैं, उनके पास जाइए, उन लोगों से बात कीजिए, चंद्रशेखर जी है, मुरली गए हैं, जाल फर्नांडिस है, सारे अलग अलग लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आप ही को चाहते हैं कि आप ही नेतृत्व करें, बहुत आग्रह हुआ। तब जयप्रकाश जी ने कहा कि अच्छा जाइए, उनको साथ सोचने का मौका दीजिए। लोग आए तो जयप्रकाश जी ने 3 शर्तें रखी। ये साल कौन सा होगा? ये साल 74 रहा। तो उन्होंने कहा कि 3 शर्तें, अपनी यूथ विंग से अपनी पार्टी से संबंध तोड़ के इस्तीफा दे कर, ये यूथ से कहा, जो नौजवान थे उनसे कहा, हाँ नेताओं से कहा जो लोग आए थे, ये गैर राजनीतिक हो गई है। तीसरी बात, दूसरी बात, इसमें ईंट पत्थर के लिए, गोलीबारी के लिए, हिंसा के लिए जगह नहीं है। आपने हिंसा के बारे में पूछा था, इसलिए मैं ये दूसरी शर्त आपसे कर रहा हूँ कि जयप्रकाश जी ने कहा था ये आंदोलन जो है हमारी दृष्टि से तो अहिंसा कहीं होगा, लेकिन चूंकि आप लोग हैं इसलिए मैं इसको अहिंसा नहीं कह रहा हूँ, युवक लोग हैं शांतिमयता कह रहा हूँ, तो अराजनीतिक होगा, गैर राजनीतिक होगा, और दूसरा जो है
शांतिमय होगा। और तीसरा, हम राय सलाह आप सब लोगों से करेंगे, आप लोगों की कमेटी होगी, राय सलाह सबसे करेंगे, यदि अंतिम निर्णय मेरा। मुझे लगा कि सोचते होंगे कि मोर्चे पर जो है लोकतंत्र नहीं, वहां भाषण भाषा नहीं, बाद में कर लीजिएगा जो है भाषण भाषा, आखिर राजनीति की तो रहे थे। तो तब ये नारा निकला। हाँ, तो ये तीन शर्तें जो है निकली। तो मुझे लगा कि उसका बड़ा असर, यदि वह बोली हम लोगों की तरह इधर से भी आंदोलन होता तो दबाना बड़ा आसान। जतकाल जी ने यह कहा कि सरकार निकम्मी है, इस सरकार को जो है नहीं रहना चाहिए, इसको इस्तीफा देके हट जाना चाहिए, फिर से चुनाव होगा, ये सारे समस्या का हल नहीं कर पा रही है, तो जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई इंदिरा जी से कि भी सरकारें गिराती उठाती रहती हैं, यहाँ जो है अपने स्वार्थ से या अपने इच्छा से जो परिस्थिति आपके सामने रहती है, कितनी सरकारें उठाती गिराती रहती हैं, एक बार जनता के कहने से गिरा दी। जनता जब नहीं चाह रही है, विरोधी दल के नेता लोग जो है छोड़ के आ गए हैं विधानसभा, कांग्रेस के ही लोग रह गए हैं अंदर, तो ऐसी सरकार का क्या मतलब थी? कपूर साहब के बारे में बहुत सारी शिकायत थी जो चीफ मिनिस्टर थे, तो कपूर साहब माने कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश उन्होंने कहा नहीं, आपने कहा कौन थे चीफ मिनिस्टर उस समय? चीफ मिनिस्टर थे गफूर साहब, गफूर। हाँ, तो लड़कों ने कुछ नारा लग निकाला था, मियां गफूर की क्या पहचान, हाथ में लबनी मुख में पान, लबनी वो सुराख का ताड़ी का होता है, ऐसे नारे जरूर बने। तो हम वापस उस नारे पे हिंसा चाहे। क्या हुआ कि एक दिन इंदिरा जी ने कहा कि क्या सबूत है कि जनता चाहती है, तो रेफरेंडम हुआ जगह 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 पूरे प्रदेश। कैसे बकायदा, मतलब इलेक्शन कमीशन को लेकर? नहीं, ऐसे इनफॉर्मल नहीं, पीपल रेफरेंडम, पीपल्स रेफरेंडम, पीपल रेफरेंडम। तो वहां भी जो है बहुत बहुमत से नहीं चाहते थे लोग। फिर जो है सिग्नेचर कंपेन चले, तो एक ट्रक जो है सिग्नेचर आया हुआ देश भर से, एक ट्रक बंडल बंडल का जो है सब उनको पहुंचा है राज्यपाल, ये सब राज्यपाल को। जयप्रकाश जी को प्रोस्टेट की कुछ तकलीफ थी, तो गए थे मद्रास के ऑपरेशन, लौट के आए थे, तो उसी समय ये हुआ था कि जयप्रकाश जी जब तक वहाँ हैं तब तक जो है अभियान चलाया जाए, तो अभियान चला करके ये काम हुआ, फिर जयप्रकाश जी आ जाएं तो ये राज्यपाल को दिया जाए उनके नेतृत्व में जो है, तो ट्रक पर भर करके उस राज्यपाल को दिया गया कि जनता चाहती है। वहाँ से जयप्रकाश जी आ रहे, जयप्रकाश जी पूरी जुलूस से ही आ रहा था, बड़ा जयपुर प्रदेश के लोग आए, लेकिन जयप्रकाश जी से कहा गया कि रेफरेंडम जब दे दिया गया उनको हस्ताक्षर, तो जेपी को कहा गया कि जुलूस तो अपने गति से आएगा लेकिन आप तब तक चले जाएं और वहाँ थोड़ा जो है विश्राम करने, बगल में संस्थान था, और फिर वहाँ से हम लोग बुला लेंगे आपको गांधी मैदान में बगल में। यदि वह जुलूस आता और जयप्रकाश जी उस जुलूस में उसी स्थान पर रहते जिससे गए थे, तो फुलना राय जो है एक एमएलए थे कांग्रेस के, उनके फ्लैट से वापसी में गोली चली, मतलब उनकी खिड़की से। हाँ, तो उनकी दृष्टि से जयप्रकाश जी को टारगेट किया गया था। यदि जयप्रकाश जी जुलूस की अगुवाई में होते, उनकी गाड़ी होती, तो शायद वो उनके ऊपर ही। इससे कुछ लड़के थे सामने, कुछ छर्रे उर्रे लगे जो है उनको, तो उससे बड़ा
एजिटेट थे लड़के, आक्रोश फैल गया। हाँ, रात को मीटिंग थी, शाम को जरूर देके आए गांधी मैदान में मीटिंग हुई, और ऐसी उपस्थिति, ऐसी भीड़ तो देखी ही नहीं गई। आज का गांधी मैदान देखा पटना का, कितना भरा हुआ था, जो सड़कें हैं अगल बगल वो सब भरी हुई थी, गुंजाइश नहीं, मीटिंग चल रही। इतने में यहाँ के डीएम का एक पत्र आया जयप्रकाश जी के, इसका आशय था कि जयप्रकाश जी जो घटना हुई है वो हम उसका उसको हम छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, दोषी को जो है छोड़ा नहीं है, लेकिन पटना आज आपके हवाले। डीएम ने कहा, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा, हाँ, ये हम इसको जो है नहीं संभाल सकते, आज आप कृपा करके जयप्रकाश जी के सभा भाषण का मुझे याद आ रहा है कि हाथ उठाकर हमको भरोसा दो, विश्वास दो कि कोई एमएलए फ्लैट की तरफ पैर नहीं। आप उस समय कहाँ थे? मैदान में थे। जब गोली चली तब भी आप जुलूस में थे? हम जुलूस में थे, तो जो है वो जो इतने हाथ उठे बाद में कौन जीने, वहाँ सारा जो है। तो उस समय कुछ लड़के शुरू शुरू में खून का बदला खून जो है नारा दे रहे थे, या फिर गर्म खून जो है। जयप्रकाश जी ने कहा कि हाथ उठाकर हमको वादा करो कि एमएलए फ्लैट की तरफ कोई नहीं। उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा भर गया है, ये अपनी मौत जाएंगी जो है, किसी को जो है ये उस तरफ नहीं जाना, जो किया इन लोगों ने यही पाप इनका ले डूबी है। वैसे सत्र की भाषा सब वो नहीं है, लेकिन वही बात है। तो एक तो शायद उसी समय जो है लालू यादव ने लोकनायक कहा जयप्रकाश जी, ये शब्द लोकनायक जो है ये लोग का है लालू यादव, तो लोकनायक की पदवी थी उसने जो है। लालू यादव भी स्टेज पे होंगे उस समय, और शायद उसी दिन जो है ये हमला चाहे जैसा होगा हमारा नहीं उठेगा, ये शायद या तो इस सभा में या इससे पहले एक सभा हुई थी, और फिर ये हर जुबान पे हो गया। तो बिल्कुल जो है बारूद की तरफ चलते सब जो है नाराज। एक बात ख्याल में आती है कि, और ये बहुत कहा गया है कि जेपी मूवमेंट की क्या उपलब्धि हुई अगर उसमें से लालू यादव और मुलायम यादव जैसे राजनीतिक नेता निकल के आए, जिनके राज्यों में उनके मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए उन राज्यों में बहुत हिंसक लोगों को समर्थन मिला और गैरकानूनी किस्म की जो है लोगों को परेशान करने वाली बातें बढ़ गईं, तो ये इस पे आपके क्या भाव हैं? देखिए, उसके बाद इमरजेंसी जब हटी तो उसके बाद 77 में चुनाव, और वो चुनाव दिल्ली के लिए हुआ, दिल्ली के लिए चुनाव, लोकसभा। और आंदोलन के बाद तुरंत ये हुआ, संताओं के इंदिरा जी को यह आश्वासन ही दिया गया कि आप तुरंत जो है करिए, 19 महीने जेल में है सारे नेता विरोधी दल के जो है, सारा देश ही कैद खाना है, आप फिर जीत के आ जाए। 85 सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश में और 54 सीट जो है वो बिहार में, एक भी दूसरी पार्टी का जीत। तो यदि उसके तत्काल बाद जो हुआ वो तो इस तरह, मतलब आप कह रहे हैं कि 77 में कांग्रेस सारी सीटें हार गई, इंदिरा गांधी भी तो हार जी, वो तो हारी ही, रायबरेली से सब लोग हारे, रायबरेली से हारे, बड़े से बड़े नेता हारे,
दक्षिण से कुछ आई होंगे, वो है उत्तर तो पूरा का पूरा सफर। अब 54 सीट उस समय बटा नहीं था, रेट हमारे यहाँ भी नहीं बटा था, उत्तराखंड उत्तर बिहार उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ 85 सीट थी, तो 85 में एक नहीं दूसरा जीत कर गया। ये हालत नहीं, पर इस सब ये देखिए, ये लोकतंत्र की एक बड़ी उत्तम घड़ी थी, उसमें से फिर नहीं, ये डेमोक्रेसी मैंने एक कहा कि एक तो जो जो उत्साह है आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो चुनाव हुआ उसकी तो स्थिति यही रही, बुलंद ही रहा। और जयप्रकाश जी ने ये कहा कि ये निर्दलीय रहेगा, वो कैसे फिर दलीय हो गया उसको समझिए। केवल इस इशू पर कि ये सरकार प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए इसको हटा दीजिए, नया चुनाव करा दीजिए, इतनी सी बात पर हुआ क्या। इंदिरा जी ने बातचीत में जेपी के साथ कह दिया कि जेपी अब चुनाव आ जाएगा, जो शेड्यूल है टाइम, उस चुनाव में ही फैसला। तो चुनावी चुनौती तो इंदिरा जी ने दे दिया जेपी को, वो पॉइंट ऐसा था जो कि बिना पार्टियों के नहीं चल, उसमें पार्टी के लोग आए, तो भी जयप्रकाश जी ने कहा कि सब लोग मिलकर के एक पार्टी बनाएंगे तब हम चुनाव के लिए निकलेंगे आपके प्रचार के लिए। तो जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी सब लोग। अब वो हमें लगता है कि बनना वो प्रयोग सफल नहीं है, इस माने में मतलब आंदोलन से राजनीतिक दल में परिवर्तन का जो ट्रांजिशन था, आप कह रहे हैं कि उसमें उसमें प्रॉब्लम आई, वो ट्रांजिशन जो है आपस में ही लड़ना शुरू किया इन लोगों ने। पर इसका क्या मतलब हुआ कि जो जो तीन शर्तें या तीन में से दो ही मानिए, अहिंसा और लोकतांत्रिक मतलब व्यवहार, क्या ये दलीय राजनीति में नहीं जिंदा रह पाते, इसका हम क्या निष्कर्ष निकालें? क्या दलीय राजनीति की और ये जो मतलब जो इलेक्शन की राजनीति है, चुनावी राजनीति है, क्या उसमें कोई ऐसी बात है कि ये चीजें उसमें नहीं कायम रह पाती? जब तक वैचारिक एकता नहीं होती जी, तब तक ज्वाइंट गवर्नमेंट नहीं होती। नहीं, मेरा जॉइंट गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि जो सत्ता हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी दल की हो, वो एक अकेले दल की हो या किसी कोएलिशन की हो, वो इशू नहीं है, पर जो सत्ता हासिल करने की प्रक्रिया है क्या उसका अहिंसक रहना संभव है? थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। जी जी, लोकतंत्र दुनिया में बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी लोकतंत्र के लिए। अपने देश में क्या हुआ कि आजादी मिली, आजादी के लिए संघर्ष हुआ था, लोकतंत्र के लिए संघर्ष नहीं हुआ है अपने देश में। बैठे ठाले लोकतंत्र मिल गया आजादी के साथ, इसीलिए गांधी जी ने कांग्रेस से कहा था कि देखो सदियों बाद देश आजाद हुआ है, यानी 13वीं सदी में मुसलमान आए हो तो करीब करीब बहुत लंबा अरसा हो जाता है 13वीं से लेकर के यहाँ तक अंग्रेजों तक करने के। तो उन्होंने कहा कि इसलिए ये आज़ादी मिली और लोकतंत्र तो मुफ्त ही मिल गया,
मुक्तता के लिए बड़ी कुर्बानी दुनिया में देनी पड़ी। तो क्या अब हमारा वो दौर चल रहा है? तो मेरा कहना यह है, उन्होंने कहा कांग्रेसियों से कि तुम जाओ, देश आजाद हुआ है और जनता मालिक हो गई है, केवल आजादी नहीं है मालिक, लोकतंत्र में जनता मालिक है। लेकिन मालिक को तो अपना हक समझना पड़ेगा, अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा, लोकतंत्र का मतलब समझना पड़ेगा, आपस में अपनापन समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जो है वो लोकतंत्र, लोकतंत्र में जो है सत्य अहिंसा सब समझने की नौबत आएगी। तो वो जो है हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कांग्रेस से कि तुम लोग लोक सेवक संघ में परिणित हो जाओ, सत्ता में मत जाओ, सत्ता दे दो समाजवादियों को, सत्ता दे दो समाजवादियों को, लोहिया है, नरेंद्र देव है, जयप्रकाश है, ये लोग सत्ता चलाएंगे। और जनता यदि मालिक समझ जाए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, मालिक जग जाएगा तब नौकर लूट नहीं पाए, मालिक को जगाने का काम नहीं। ये ब्यूरोक्रेट जो है, ये ब्यूरोक्रेट कागज में लोक सेवक आजादी के बाद, अंग्रेजों के समय ये आकिन थे, लेकिन चूंकि अंग्रेजों के जाने के बाद कोई व्यवस्था नहीं बदली, कागज पर सब हुआ, तो हाकिमगिरी का मानस जो है इन ब्यूरोक्रेट्स का नहीं। और आम आदमी के हाथ में सिर्फ उसकी वोट रहे, कुछ आई नहीं आया आदमी के हाथ नहीं, बट लोगों को अपनी वोट डालने का हक जो है वो प्रिय है। हाँ, वो भी तो जगह जगह पे हमने देखा है, गांव से लेकर शहर तक, पर वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आप ये कह रहे पर्याप्त नहीं है, और इसमें भी जो है छीना झपटी हुई थी। जी जी, धर्म आया उसी में जाति आई, जाति धर्म के नाम पर। तो सर्वोदय के साथियों ने, मुझे याद है, अयोध्या में एक प्रदर्शन किया, उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि उस समय सर्व सेवा संघ ने एक प्रयत्न किया, उसमें हम सब शरीक थे, शायद मैं मंत्री था उस समय, ठाकुरदास बंग थे, ठाकुरदास बंग थे, सिद्धराज जी थे, और शायद मैं उस पर मंत्री था, ध्यान नहीं आ रहा है, सुशीला नायर थी। हाँ, तो हम तीनों ने कोशिश की कि सारे धर्म के जो प्रमुख लोग हैं, प्रणेता हैं, उन सब लोगों से एक दस्तखत इस बात पर ली गई कि इसको आपसे शांतिपूर्वक समझाया जाए, आपस में सुलझाया जाए इस मसले को, ये मंदिर मस्जिद के मसले। हाँ, इस पर जो है जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से मामला बिगड़ेगा, ये कोशिश हम लोगों ने तो मुस्लिम नेताओं से अपने ये अपने अलग अलग धर्मों के लोगों से जो है हम लोगों ने मिलकर के एक ड्राफ्ट बनाया था, उनके दस्तखत लिए थे, उनके दस्तखत लेकर के इन दोनों तरफ के नेताओं को, हिंदू मुस्लिमों के तरफ उनको दिए, उनसे संपर्क हुआ जो है, ये सब सारा प्रयत्न हुआ, और इतना ही, जब इतने पर भी कुछ नहीं हुआ, वे हुआ कि भाई चले अब वही मजमा लगाए जो है, अब तो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, ये सब करने के बाद कोई असर नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने 24 घंटे का सत्याग्रह करने का वादा किया अयोध्या में, अयोध्या मंदिर के मस्जिद के सामने, मस्जिद के सामने नहीं था, गंगा किनारे पे। अच्छा, गंगा नहीं है वहाँ, सरजू, सरजू तो उस किनारे पर हमें लगता है कि 100-200 संख्या, हम लोग 200 तो निश्चित ही रही होगी, ज़्यादा रहे
महिलाएं भी थी, बड़े लोग भी थे, सुशीला नैयर भी उसमें आई थी, और प्रमुख लोग जो है सारे लोग देश भर के लोग आए। और पहले ही दिन 48 घंटे का था, मेरे का 2 दिन का था, तो पहले ही दिन हम लोगों ने टेंट वगैरह लगाए, हुआ तंबू लगाए, और तंबू लगा करके उसके अंदर चरखा कताई करते हुए रघुपत राघव राजा राम सबको सन्मत देव भगवान, इसके अलावा और कोई रास्ता ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, हाँ ये करना हम लोगों ने शुरू किया। हम लोग कर ही रहे थे कि इतने में अच्छा उनके लोग जो है दूर दूर से मंडराने लगे। उनके मतलब? उनके मतलब हिंदूवादियों के, हिंदू महासभा के होंगे, आरएसएस के होंगे, भाजपा के भी रहे होंगे, जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन मतलब तो हिंदूवादी लोग जो है जी, जो मस्जिद गिराने में लगे रहे होंगे, लगे रहे सोचते रहे होंगे, शामिल हुए होंगे, ये सब लोग जो है कोई लाठी वाठी लेकर के इधर उधर जो है फिर काट रहे। फिर नजदीक आए, नजदीक आकर के जो है जय श्री राम बोलो, तो हम लोग का भी डंडे के बल पर तो नहीं बोलो, हम तो बोल ही रहे हैं पिता करो राजा राम, लेकिन इस सब का कोई असर नहीं हुआ। पहले गाली गलौज शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जो है धूल गंदा ईट पत्थर तो नहीं था, लेकिन डंडे लेकर फिर आ गए, डंडों से पीट पीटने शुरू किया। आप लोगों को? हम लोग जो कि ज्यादातर महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, सब वृद्ध लोग थे आप, महिलाएं तक को नहीं। फिर टेंट की रस्सी काट, तो टेंट गिर पड़ा जो तंबू लगा हुआ था, हम लोग बाहर बैठ गए। इतने देर के उड़ीसा के जिला सरोदय मंडल के अध्यक्ष थे, मुस्लिम थे, और फिर उनका बिल्कुल खलवाट बाल नहीं दाढ़ी, वो खड़े थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो भी सामने से ही खड़े थे। इतने में एक आदमी आया और बहुत तेजी से जो है लाठी मारा उनके सिर पर, और उनका ये फट गया, खून से लथपथ हो गए। फिर भगा वो, तो उन लोग उनको लेकर के हॉस्पिटल गए, सुशीला नैयर भी गई। इतने में एसपी वगैरह आ गई, वहाँ आप लोगों के कारण हिंसा भंग होने की संभावना है, इसलिए आपको इसको बंद, क्यों भाई जो हिंसा कर रहे हैं शांति जी को भड़का रहे हैं उनको फिर करिए ना, हम लोगों को नहीं, आपको बंद कर दीजिए, आप ही लोगों के कारण से हो रहा है, यदि आप लोग न हो, हाँ आप लोगों के कारण तो ये हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको बंद कर देंगे तो हम लोग चले जाएंगे। हम लोगों ने सारा परमिशन घर पर लेकर किया था, फिर उन्होंने कहा कि हमने कहा कि ऐसे तो हम लोग आप गलत आदमी को नहीं हटा रहे हैं, अगर जो सही है उसको हटा रहे हैं, करें उसके कारण जो है शांति, तो आप हमको जबरदस्ती हटा दीजिए। तो उन लोगों ने कहा कि 144 लगाते हैं, 144 हमने कहा, हम लोगों ने कहा सर हमारे नेता लोगों ने सब लोगों ने कहा मिलके भाई हम जो है 144 तोड़ते हैं, आप गिरफ्तार कीजिए, हम ऐसे नहीं। दो बसें मंगाई, दो बसों में हम लोगों को भरा, और भर करके जो है ले जा करके कहीं बहराइच की तरफ उधर कहीं जंगलों में जो है हम लोगों को छोड़ दिया। रात को छोड़ने की कोशिश की, हमने कहा यहाँ तो अब कैसे, हम लोगों ने कहा कि यहाँ कैसे रुकेंगे, हमको किसी थाने पर ले चले,
हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी, उनको गिरफ्तार कीजिए। अब बेचारे कोई अधिकारी नहीं था, दो ठो पुलिस वाले लगा दिए थे जो है बंदूक लेकर, कौन जवाब दे? अब बेचारे इस लायक थे नहीं, उनको धक्का दिया गया, खड़े हो गए उसमें जो है। बहरहाल एक कहीं थाने पर ले जाकर छोड़ा हम लोगों को, वहाँ से जिसको जहाँ जाना था। यह एक प्रसंग। अब ये दिन था और आज 30 साल बाद जो हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बनाने की प्रक्रिया रही है या साजिश रही है वो जितनी कायम है, अब इस आज के वातावरण में जब इतनी खुलेआम घृणा की बातें की जा रही हैं, आप नौजवानों को, आज के नौजवानों को क्या सलाह देंगे कि वो इस वातावरण में वो रचनात्मक और अहिंसक रास्ते पे कैसे चलें? मुझे लगता है कि एक तो दो परिस्थिति हुई है। एक परिस्थिति यह है कि जयप्रकाश जी के जाने के बाद, यानी इस देश में उस श्रृंखला की आखिरी कड़ी जयप्रकाश नारायण थी, एक आदमी बोलता था तो देश सुनता था। जयप्रकाश जी के चले जाने के बाद आज कोई एक व्यक्ति नहीं है जो बोले और देश उसके पीछे खड़ा हो, जेपी के पीछे देश खड़ा हो। लोहिया थे, जेपी थे, इन लोगों का प्रभाव था। आज ऐसा कोई नेता नहीं जिसका प्रभाव। तो एक तो अब इसको विनोबा जी ने कैसे देखा वो मैं कहना चाहूंगा। विनोबा जी ने कहा ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये गण का गण है, गण बोलेगा, समूह बोलेगा, एक व्यक्ति का जमाना नहीं रह गया। आगे उन्होंने कहा कि मुझे अमावस्या की रात अच्छी लगती है, पूर्णिमा की रात अच्छी नहीं लगती। व्याख्या करते हैं आगे कि अमावस्या की रात में, पूर्णिमा की रात में तो एक चांद चमकता है, बाकी सब लुप्त हो जाते हैं बेचारे, सब दिखते नहीं जो है तारे। और अमावस्या की रात में हजारों तारों को चिपकने का मौका मिलता है आकाश में, आकाश पर्णी का साम्राज्य है। तो उन्होंने कहा कि अब लोकतंत्र है इसलिए गण नेतृत्व चलेगा, समूह नेतृत्व चलेगा, जगह 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 समूह खड़ा होगा, मिलकर कोई बड़ा समूह भी खड़ा हो सकता है, इसका असर लोगों पर हो सकता है। अब एक व्यक्ति बोले और देश चले, ऐसी लोकतंत्र है तो क्यों होना चाहिए, तो गणों का तंत्र है, गणतंत्र है। तो हमें लगता है शायद व्यक्ति तो नहीं दिख रहा है एक ऐसा, लेकिन जगह 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 ग्रुप खड़ा हो रहा है। अब जहाँ हम आए हुए हैं, अब ये दो छोटे छोटे संगठन मिलकर के आपस में जो है एक कार्यक्रम, मौके का कार्यक्रम किया जो है, अच्छा कार्यक्रम किया। तो ऐसे जगह जगह इस समय में प्रयत्न देख रहा हूँ कि जगह जगह लोग खड़े हो रहे हैं और कुछ न कुछ जो है आज के विरोध में खड़ा कर रहे हैं। जो नौजवान हैं वो अपने अंदर, अपने भीतर की क्या शक्तियाँ उजागर करें जिससे उनको, क्योंकि देखिए ये अब लंबा संघर्ष है, जैसे आपने कहा कि ये एक्चुअली अब जो है लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष है, तो उसमें क्योंकि आपके पीढ़ी में और खासकर सर्वोदय के साथियों में बहुत सारे क्या कहें आत्मबल रहे, तो ये आत्मबल को बढ़ाने की आप कोई दो तीन ऐसी क्या राय दे सकते हैं नौजवानों को, आज के नौजवानों को? एक तो मुझे लगता है कि नौजवानों को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, मोबाइल बड़ा नुकसान किया है। ये सब जो बातें हम लोगों की हो रही है, आपने जो ये बना रही है, इस सब बातों की कितनी जानकारी है मैं नहीं कह सकता। बिहार आंदोलन नहीं है, बिहार आंदोलन तो नौजवानों का ही आंदोलन, और बहुत दिन नहीं हुआ है। तो
हमें लगता है कि इस तरह के आयोजन होने चाहिए बड़े पैमाने पर जगह जगह। मेरा जीवन बहुत सारा बीता है तरुणों के प्रशिक्षण। हम लोगों ने पहले ऐसा है कि तरुण सेवा संघ को लोग जानते हैं, उसी की एक ब्रांच थी शांति सेना मंडल, अखिल भारत शांति सेना मंडल, जिसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण, मंत्री थे महादेव भाई देसाई के बेटे नारायण देसाई। मेरी जिम्मेदारी, हम लोग उसमें प्रशिक्षण के काबिल थे, शांति सेना प्रशिक्षण। विनोबा जी ने की प्रेरणा से निर्मला देश पांडे ने इंदौर में महिलाओं का शांति सेना भी दिया और राजघाट कैंपस शासन सेवा संघ का वहाँ नारायण रही नहीं धर्म मंडल ने खोला था वहाँ एक हर पुरुषों के लिए युवकों के लिए। तो 1964 में मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने किशोर शांति दल शुरू किया था सबसे पहले। तो किशोर शांति दल का सम्मेलन बेंगलोर में हुआ था ऐसा मुझे याद आता है, फिर हर साल सम्मेलन होता है। तरुण शांति सेना के बाद किशोर शांति दल के बाद कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि उसमें से तरुण शांति सेना ने 1957 में बहुत भयंकर अकाल आया बिहार में, बिहार और बिहार से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा भयंकर रूप से अकाल से ग्रसित। उसी समय विनोबा जी और जयप्रकाश जी बिहार दान पर लगे हुए थे। बिहार दान पर जो है वो ग्राम दान तूफान वगैरह आंदोलन वगैरह चला था, बिहार दान हो गया। बिहार दान के निर्माण के प्रश्न पर कायदे से निर्माण होना चाहिए था, मैं देखता हूँ कि बहुत हिस्टोरिकल ब्लंडर भी कर सकते हैं उसको, मैं सोचता हूँ जयप्रकाश जी और विनोबा जी दोनों की लगे तो बिहार दान हो गए ग्राम दान की दृष्टि। उस बिहार दान के बाद ये दोनों नेता बिहार के निर्माण के प्रश्न पर लगते कि ग्राम स्वराज के निर्माण की दिशा में बिहार को चलाए। तो उस समय यदि ये सरकार से कहते, कांग्रेस की सरकार से यदि उससे कहते कि भाई आप एक प्रदेश छोड़ दीजिए हमारे अमल, गांधी की कल्पना का आज तक नहीं बना, हम लोगों को गांधी की कल्पना के लिए प्रयत्न करने दीजिए, एक प्रयोग हो जाए, एक बड़े पैमाने पर होगा बिहार के प्रदेश पर, और आप अपना कानून कागजात रख हटा लीजिए, मुक्त छोड़ दीजिए, यदि इसमें से कुछ संभावना निकलती है तो आप पूरे देश में लागू कीजिए। वो शांति सेना पे वापस आइए कि शांति सेना क्यों खत्म हो गई। तो उसमें एक विद्यार्थी अकाल शिविर हुआ जी जी, जयप्रकाश जी ने काल किया था, करीब 700-800 लोगों में थे कई ज्यादा थे, और वो लोग गांव में क्षेत्र में भेजे गए थे जिलों में। जो काम किया उन लोगों ने वो काम काबिले तारीफ नहीं जाऊंगा, लेकिन जो काम किया उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोगों ने जेपी को बताया कि ऐसा ऐसा काम किया लड़कों ने, उन्होंने कहा कि स्थायी संगठन क्यों नहीं बनाते युवकों का। तो स्थायी संगठन में ये हुआ कि किशोर शांति दल भी बड़ा हो रहा था, कई साल का हो गया था, तो उसमें से तरुण शांति सेना, तो तरुण शांति सेना फिर शांति सेना, तो किशोर शांति सेना, तरुण शांति सेना बड़ों का जो है, फिर महिला शांति सेना। आज नौजवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि उनका भविष्य के अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। बेरोजगारी का जो आलम है, एक एक नौकरियों के जो है कितने कितने दिन बीत जाते हैं रिजल्ट आने में, फिर कुछ झमेला हो जाता है, मुकदमेबाजी होने लगती है, ये सारा देखते हुए इस समय का नौजवान जो है उसकी सामाजिक चेतना जो है बहुत कम हुई ऐसा मुझे लगता है। दूसरा कि नौजवानों के बीच में जाकर के काम करने वाले भी कम हुए।
पर जो नौजवान अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं वो अपने भीतर क्या आत्मबल तैयार करें, कैसे करें? ऐसे कुछ कुछ ग्रुप में देखता हूँ, ये भी एक प्रश्न ये भी है कि नौजवान अपने में ही जो है कुछ ग्रुप बना करके, जो इलाहाबाद का एक ग्रुप है ये मुझे मिला था सेवाग्राम में, मेरे सम्मेलन था, वो लोग आए हुए दो बार मेरे पास साथ लोग बैठे हुए और देखा कि बहुत है, मन में सोच है, विचार है, आगे का कुछ लिखना है, सामाजिक चेतना है, तो धीरे धीरे ऐसे हो रहे हैं। पर अहिंसा के तरफ भी प्रेरित हैं? ऐसा है कि अहिंसा का अभी कोई मतलब माहौल नहीं है और कोई प्रयत्न भी नहीं। जैसे विनोबा जी की यात्रा जी की, तो आपको ये देख के क्या निराशा होती है? निराशा नहीं होती, मुझे जरा भी निराशा करता नहीं, क्यों नहीं होती है? मुझे लगता है पहली बात तो ये कि समय बदलते हम देख रहे हैं, अपने समय से बदलते देख रहे हैं, कभी उल्टी दिशा में बदलता है, कभी सही दिशा में बदलता है, गलत दिशा में बदलता है, लेकिन समाज जहाँ है यहाँ नहीं बदलेगा। इस समय निश्चित है कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है इसके पास कि अपना एक दर्शन है, ऐसी जगह कीर्तन मुसलमी का दर्शन है, उनका जो कैडर है उसको हिंसा ही सिखाया जा रहा है, लाठी भाजना और क्या क्या चलाना, तलवार चलाना, ये चलाना, वो चलाना, ये सारा जो है वो एक संगठन हमको ऐसा दिखता है जो कि बात चाहे जो भी करता हो लेकिन कुल मिला करके जो है अपने नौजवानों को, बहुत सारे नौजवानों को वो उसी दिशा में ले जा रहा है जिस दिशा में आज की सरकार पर जिसे हम गांधीवादी ना भी हो तो कम से कम अहिंसावादी जो प्रेरणा है, वैसे नौजवानों को आप क्या क्या संदेशा देंगे? नहीं, मेरा संदेशा तो यही है, यदि कुछ विपरीत परिस्थितियां आती भी हो तो उन्हें सहन करना चाहिए, झेलना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए आगे। क्या बात है, मेरे मन में हमेशा होता है जी, कि यदि हमने तय कर लिया कि हमको पूरा चलना है तो जो भी बहुत काटा है, बहुत कुछ है, बड़ी कठिनाई है, जाना बड़ा मुश्किल है, रास्ता है नहीं घर, लेकिन यदि हमने पूरा वो किया जी तो पश्चिम करने से बच्चे हैं। और मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आखिरी बात, जयप्रकाश जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि जी पी आप क्या ये सर्वोदय की बात अलाप रहे हैं, चारों तरफ तो कर्णनाथ की घटा जी होती कर्णनाथ जी, जी पी ने कहा भाई जो तुम बात कह रहे हो ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये बताओ कि मैं क्या करूँ, यदि मेरी आस्था भी सर्वनाश लाने में होती तो हम भी लग जाते उसमें, लेकिन मेरी आस्था तो है नहीं वहाँ, तो मैं हाथ पर हाथ धर करके सर्वनाश आने की इंतजार करूँ या सर्वोदय की दिशा में अपनी गाड़ी खींचता रहूँ। बहुत खूब, आगे क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण आगे थी, यदि सर्वनाश हो भी गया तो अगला समाज जरूर बनेगा, दृष्टि चलेगी, तो उस सर्वनाश तक यदि हम सर्वोदय की गाड़ी को लेकर जाएंगे, पहुँचाए रहेंगे, तो जो समाज नया बनेगा वो सर्वनाश का नहीं बनेगा, वो तो सर्वोदय का ही, उसके लिए जरूरी है कि हम सर्वोदय की गाड़ी को सर्वनाश के चौराहे तक खींच कर ले गए, और जब सर्वनाश होने के बाद कोई नई सृष्टि बनने की बात आएगी तो उस सर्वनाश के मलबे से सर्वोदय के तत्वों को खींच खींच करके जो है नया सर्वोदय का समाज। बहुत गजब का है दे दे। ये तो मैं कहता हूँ कि ये सर्वोदय है, यानी क्रांतिकारी की आस्था है, ये जीता है क्रांतिकारी, ये जीना छोड़ दे तो मर जाएगा क्रांतिकारी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग इसे देख करके जी रहे हैं, बढ़ेगा, बदलेगा, बदलेगा जमाना, बदलेगा। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी।